वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो कोई भी खास नहीं होने वाला, और ना किसी डिवाइस का मतलब अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और ना ही किसी के स्पेसिफिकेशन को जानने वाले हैं। आज कुछ पर्सनल से रिलेटेड बातें हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और वहां से क्लिक करके आप यहां आए। ये आज बात करेंगे गूगल एडसेंस पिन, जो कि मेरे पास आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, गूगल एडसेंस पिन कुछ इस प्रकार का आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार का आपको पोस्ट होता है, पीछे एड्रेस उड्रेस लिखा हुआ है। तो ये जो है अप्लाई करने के जस्ट 2 से 4 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा, आपके होम एड्रेस पे आता है, जिससे आपका जो है होम एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। तो ये पिन को, इस पिन की सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर इस पिन से क्या होगा। तो इस पिन का मेन मकसद यही है कि ये पिन, चलिए मैं आपको खोल के भी दिखाने वाला हूँ। कुछ इसमें अनबॉक्सिंग करने की कोई बात नहीं है, बस इसमें एक सा फॉल्ट रहता है, उसको कट कीजिएगा, इसको खोलिएगा, और इसमें आपका मात्र 6 डिजिट का पिन रहता है। और इसको कहाँ अप्लाई करना है, जिसका चैनल मोनोटाइज हो गया उसको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा। जैसे ही आपके अकाउंट में $10 अवेलेबल हो जाता है, तो आप इस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पिन को अप्लाई करने के बाद तो क्या करना होता है, इसको एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। इससे आपका अगर एड्रेस वेरिफिकेशन होगा तो ना आपका पेमेंट होल्ड होगा, और ना ही आपका मतलब चैनल मतलब मोनेटाइजेशन रहता है, उसको डिजेबल कर दिया जाता है अगर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये लगभग 3 महीने का टाइम दिया जाता है, $10 पूरा होने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पिन के लिए। तो किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो चलिए उसका वीडियो मैं बाद में आपको अच्छे से बताऊंगा, डिस्कशन करके लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बस अभी ये खुशी जाहिर करनी है कि एडसेंस पिन मेरा आ चुका है, पूरे 1 मंथ लग गए इसको आने में, और मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इसका अनबॉक्सिंग तो देखने की कोई बात ही नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि गूगल एडसेंस पिन इस प्रकार के आपको पेपर में, फोल्डेबल पेपर में आपको मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, तो साइड से बस यहाँ से कट करना है, उसके बाद आराम से जो कट करने के बाद इस प्रकार से ये खुल जाएगा। तो देख सकते हैं पिन शेयर करने की मतलब बात, शेयर भी करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब पिन को देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको पिन मिल जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे आपको पिन लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो है इसमें कोई खास बात नहीं है। तो गूगल एडसेंस बस यही है, आपका जितना भी एडवर्ड का पैसा आता है तो वो होल्ड होकर रह जाता है। अगर आप एड्रेस वेरीफिकेशन नहीं कीजिएगा तो आपका पेमेंट होल्ड होकर रह जाएगा। तो इसलिए एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए वो एक कोड देते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि और मतलब वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बस मैं तो ये बताना चाहता था कि गूगल एडसेंस पिन किस प्रकार के फॉर्म में आएगा आपको। तो कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आ जाएगा आपको गूगल एडसेंस पिन। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा तो गूगल एडसेंस पिन आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया, $10 पूरे हो गए, वो भी अप्लाई करे और उनका भी एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि भविष्य में आपका ना पेमेंट होल्ड हो, ना ही आपका मोनेटाइजेशन होल्ड हो। अगर मोनेटाइजेशन होल्ड हो जाता है एक बार, तो फिर से उसको रीओपन करने में बहुत वक्त लग जाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। तो आपको इस गूगल एडसेंस पिन के बारे में पता लग गया, इसका क्या महत्व है, पेमेंट होल्ड होने से बचाता है और मोनेटाइजेशन डिजेबल होने से बताता है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा, आप ये उम्मीद कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गूगल एडसेंस पिन की जानकारी आपकी पूरी हुई।